सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? क्यों दिखेगी हीरोइन अलग? ऋतिक ने क्या सीखा नया? फिल्म में ऋतिक करेंगे इंस्पिरेशन पर वार। हेलो एंड वार्म वेलकम, आप देख रहे हैं मणिग्रैंड स्टूडियोज और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग मूवी फाइटर के साथ। तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। ये बॉलीवुड की एक अपकमिंग एक्शन ड्रामा मूवी होने वाली है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म वॉर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद। बात करें इस मूवी की कास्ट की तो फिल्म में नजर आने वाले हैं ऋतिक रोशन एंड अनिल कपूर। और फिल्म की लीड एक्ट्रेस के रोल की बात की जाए तो फिल्म में नजर आने वाली है हम सभी की चहेती दीपिका पादुकोण। फिल्म में हीरोइन का एक अलग रूप होता है तो उसका कैरेक्टर भी पूरी तरह चेंज हो जाता है। वैसे ही फाइटर फिल्म में दीपिका पादुकोण का भी लुक एक अलग रूप से बनाया गया है जिसमें उन्होंने ब्लू कॉन्टेक्ट लेंसेस लगाए होंगे और ये लुक दीपिका का इसमें पहली बार होगा। और कैसी होंगी इस लुक में दीपिका, ये देखने के लिए तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार। और ये भी बताया जाएगा कि फिल्म में एक छोटा सीन होगा जिसमें ऋतिक रोशन करेंगे फ्रेंच पीपल से बातें और इस सीन के लिए ऋतिक ने फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखी, जिसके बाद ऋतिक को फ्रेंच लैंग्वेज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आया और अभी भी ऋतिक रोशन बेसिक फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं। अगर आप कुछ सोचते हैं तो यकीन मानिए आप वो कर सकते हैं। तो वैसे ही ऋतिक ने भी अब फ्रेंच सीखने की ठान ली और उन्होंने वो रियलिटी में भी कर ही दिखाया। तो दोस्तों ये विचार आप पर भी लागू हो सकता है। और यहाँ फिल्म के विलन की बात की जाए तो फिल्म में अनिल कपूर विलन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, मगर रियल लाइफ में ऋतिक अनिल कपूर को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं और वही फिल्म में उनको अपने इंस्पिरेशन पर भी बात करना पड़ता है। फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स एंड शॉकिंग न्यूज हम आप तक जल्दी पहुंचाएंगे। आपके इस मूवी के ऊपर क्या व्यूज है ये हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ और मसालेदार खबरों के साथ। धन्यवाद।